हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्स, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेज, जिसे हम हिंदी में ससंजक और असंजक बल कहते हैं। और ये सारा जो असंजक और ससंजक बल है, इसको हम जो स्टडी करेंगे अंतरारोणिक बल के अंतर्गत, इंग्लिश में इंट्रामोलिकुलर फोर्स, और ससंजक को कोहेसिव और असंजक को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। इंट्रामोलिकुलर, पहले मैं वन बाय वन आपको करूंगा कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है, मतलब किस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और क्या होता है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, यानी कि ससंजक और असंजक बल। इन पूरी चीजों को हम समझेंगे, लेकिन इन सभी चीजों को समझने से पहले मेरी आप स्टूडेंट से एक, जो खासकर जो 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट है, उनसे मेरी एक खास अपील है, एक खास रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी आप फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स में जब भी कभी आप किसी भी टॉपिक में अगर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं या उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल इंटरनल दिमाग के अंदर वहां आप घुस जाइए उस चीज के अंदर। अगर मैंने इंट्रामोलिकुलर अंतरारोणिक बल की बात की है या इंट्रामोलिकुलर फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अणु की बात कर रहा हूँ कि किसी भी पदार्थ में अणु होते हैं, आप जानते हैं मॉलिक्यूलर होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको समझना है, पढ़ना है, तो थोड़ा सा आप फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए आप उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जाके बैठे हुए हैं और उनकी गतिविधि पर आप क्या दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ऐसा करने पे क्या होगा कि सारी की सारी चीजें आपको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर ससंजक और असंजक बल के बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या चीजें होती है और इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है अंतरारोणिक बल, यानी कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है, सूक्ष्म रूप में समझाऊंगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है अणु से मिलकर बना हुआ है, अणु के अंदर आपके पास एटम्स है, परमाणु है, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अणु, यानी कि आप जानते हैं कि पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो उन अणुओं के बीच में जो अलग अलग पदार्थ है, कई बार क्या होता है कि एक ही पदार्थ की हम बारे में बात करते हैं कि भाई एक ही पदार्थ के अणु, और कई बार हम जो दो पदार्थ के अणु की बात करते हैं, जैसे एक पदार्थ है और एक पदार्थ है, दोनों का आपस में चिपका दिया तो दोनों के अणु एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तो वहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अणु की बात कर रहे हैं। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स का मीनिंग हुआ कि अंतरारोणिक बल का मीनिंग यह हुआ कि पदार्थ या पदार्थ के अणु के बीच में जो बल लगता है, जो बल कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अंतरारोणिक बल या इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि पदार्थ के अणु के बीच में जो बल कार्य करता है, उसी बल की हम बात कर रहे हैं, उसी बल को हम बोलते हैं अंतरारोणिक बल या इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो ये तो बात होगी आपकी अंतरारोणिक बल की। अब बात आती है ससंजक बल की। ससंजक बल, जैसे कि आप, मैंने ऊपर लिखा हुआ है ससंजक बल, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स क्या होता है, आपको फिजिक्स में पता है कि फिजिक्स में किन्हीं भी दो अणुओं के बीच में क्या करता है, फोर्स काम करता है। या वैसे भी अगर जनरल देखा तो इस ब्रह्मांड में कोई भी दो निकाय, कोई भी दो सिस्टम एक दूसरे के करते हैं फोर्स आरोपित करते हैं, बल आरोपित करते हैं। तो जब वो सभी चीज के लागू हो रहा, तो ये अणु के बीच भी लागू, यानी कि किसी भी पदार्थ के अणु के बीच में क्या करता है, फोर्स कार्य करता है। अब वो फोर्स कैसे कार्य करता है, वो डिपेंड करता है, हम बात कर रहे हैं ससंजक बल की, यानी कोहेसिव फोर्स की बात कर रहे हैं। तो एक ही पदार्थ के अणु के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, यानी कि अगर हम पानी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पानी के अणु के बीच, अगर हम तेल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तेल के अणु के बीच। तो कुल मिलाकर यह है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है, एक ही, ध्यान सुनिए कि एक ही पदार्थ के अणु के बीच जो बल कार्य करता है, उसे हम ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव फोर्स किसे बोलेंगे, यानी कि ससंजक बल किसे बोलेंगे, कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है, उसी बल को हम बोलते हैं ससंजक बल। क्लियर, ये हो गया आपका कोहेसिव फोर्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया बात आपकी। अब आती है बस असंजक बल की, हम बात कर रहे हैं असंजक बल की। असंजक बल क्या होता है, इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स क्या है, किन्हीं दो पदार्थ के अणु के बीच, ये ध्यान दें, किन्हीं दो पदार्थ के अणु के बीच, पहले था, पहले वाले में क्या था कि एक ही पदार्थ के अणु के, यानी कि पानी के अणु के बीच,
अब बात आ रही है किन्हीं दो पदार्थ के अणु के बीच जो बल कार्य करता है उसे बोलते हैं हम एडहेसिव फोर्स, यानी कि आसंजक बल को कहते हैं। अब किन्हीं में दो पदार्थ कैसे, जैसे भाई आपका घर में कप टूट गया आपका, देखिए ना अक्सर कोई प्लास्टिक की चीज टूट जाती, तो आप क्या करते हैं बाहर जाके एल्फी या जो क्या बोलते हैं उसको क्विक फिक्स में जो आप लेते हैं उसको बाद में आप चिपका देते हैं इस करके, आप उसको लगाकर आप उसको ऐसे चिपका देते हो, क्विक फिक्स एक एडहेसिव आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो ये गोंद वगैरह जो होते हैं उनके बाहर से लिखा रहता है एडहेसिव, तो वो एडहेसिव यही होता है, एडहेसिव मीन्स चिपकने वाला, यानी दो पदार्थ के अणु जब आपस में चिपकते हैं तो उसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो उन दो अणु को चिपकाने वाला फोर्स कौन उसके लिए उत्तरदायी होता है, उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, एडहेसिव फोर्स उत्तरदायी होता है, यानी कि आसंजक बल होता है। तो जो क्विक फिक्स की हम बात करें, जो क्विक फिक्स आप बाजार से लाते हो, तो जब वो प्लास्टिक के अणु के बीच के संपर्क में आता है, ध्यान दीजिए दो उसके दो टुकड़े प्लास्टिक के, मान लो ये दो टुकड़े, एक प्लास्टिक टुकड़ा एक है एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, अब इसके बीच में यहां पर मैं अगर वो क्विक फिक्स लगा दूं और उसको ऐसे ऐसे चिपक दूं, फटाक से चिपक जाता है, आप उसको तोड़ अगर उसको खोलने की कोशिश करें तो मुश्किल से टूटता है। यानी कि उस एडहेसिव ने, यानी कि उस क्विक फिक्स ने क्या किया, उस प्लास्टिक के अणु के बीच में क्या किया, एक फोर्स का काम किया, किन्होंने, यानी कि उस क्विक फिक्स के अणु के बीच और इस प्लास्टिक के अणु के बीच एक फोर्स ने काम किया, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आसंजक बल, यानी कि एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो ये बात होती है एडहेसिव फोर्स और यानी कि आसंजक और ससंजक बल के बीच के बारे में हमने बात की। अब बात आती है कि अगर हम बात करें आसंजक बल की या ससंजक बल की, तो ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, एक फिजिक्स में सिंपल थ्योरी है कि यदि किन्हीं भी दो अणुओं के बीच की दूरी, ध्यान दें यदि किन्हीं भी दो अणुओं के बीच की दूरी 10⁻⁹ मीटर यदि कम है, ध्यान दीजिए 10⁻⁹ से कम है, तो उनके बीच क्या होता है, अति आकर्षण बल कार्य करता है। अति आकर्षण बल कार्य करता है मीनिंग क्या हो गया कि दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो वेरी सिंपल, अब आप समझ गए होंगे कि जब क्विक फिक्स आप किसी प्लास्टिक की सतह पर लगाते हैं तो प्लास्टिक के अणुओं और उस क्विक फिक्स के अणु के बीच में, सिंपल सी बात है, उन दो अणुओं के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो इससे भी कम होगी, 10⁻⁹ मीटर से भी कम होगी। तो कुल कहने का मीनिंग है कि देखो दो अणु के बीच की दूरी है 10⁻⁹ मीटर से बहुत कम है, तो उनके बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य कर, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, चिपक जाएंगे। इसलिए तो क्या होता है एडिस, यानी कि जो आपका क्विक फिक्स होता है वो क्या होता है चीजों को जोड़ देता है। और यदि दूरी उन दो अणुओं के बीच की दूरी 10⁻⁹ मीटर यदि ज्यादा है तो उनके बीच फिर आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है, यानी फिर आकर्षण बल उन पर लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब बात करती है करते हैं कि अगर हम पानी के अणु की बात करें तो पानी के अणु से कैसे चिपके हुए, वो चिपके हुए आपके ससंजक बल से, यानी कि वो उनके बीच 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस है लेकिन इससे कम नहीं है, लगभग इसके आसपास ही होगी, तो इसलिए पानी के अणु चिपके हुए हैं। अगर उसके अब जैसे हवा की हम बात करें तो हवा के अणु एक दूसरे से बहुत ही कम फोर्स से क्या होते हैं, चिपके होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं हवा के अणु इधर उधर गैस धुआं आप देखते हैं सब उड़ जाता है, एक दूसरे बिखर जाता है, तो वो इसलिए बिखर जाते हैं क्योंकि उनके धुआं या हवा के अणु के बीच जो इंट्रा मॉलिक्यूल, हाँ उसी को देखो इसको जो हम इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रेंज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज, यानी कि इसको आणविक परास बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं आणविक परास, इसको बोलते हैं आणविक परास, यानी कि उनकी उनका जो आणविक परास है यानी कि मॉलिक्यूलर जो रेंज है वो क्या है बहुत ज्यादा, यानी कि 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा, इसलिए तो वो चिपक नहीं रहे, जगह जगह चले जाते हैं। तो हवा में या धुएं में जो आणविक परास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि जो गोंद हो गया या क्विक फिक्स हो गया इनके यदि किसी दूसरे के सतह पर आते हैं तो उनके बीच जो आणविक परास होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है, इसलिए चिपक जाता है। तो ये है आपका ससंजक और आसंजक बल, जिसको कि हम क्या करते हैं अंतरा आणविक बल यानी कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स के बीच में क्या करते हैं उसको स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ससंजक और आसंजक बल समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं और ये किस तरह से किन्हीं भी दो पदार्थों के बीच में, यानी कि ससंजक क्या होता है सेम पदार्थ के अणु के बीच और आसंजक क्या होता है दो विभिन्न पदार्थ के अणु के बीच में कार्य करने वाले क्या होते हैं बल होते हैं, फोर्स होते हैं, ये हम कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आएगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि आपके सामने ये तीर का निशान आ रहा है, ऐसे करने पे क्या होगा हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी और आप हमारी वीडियो को जल्द से जल्द देख सके।
जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।